कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। कल आपको बता दें कर्नाटक के मसले को लेकर रायपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो फ्लोर पर होगा, इसमें अभी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। भाजपा की नीयत साफ नजर आ रही है। गोवा में हमने देखा, वो कहते हैं हमारा कोई हाथ नहीं। गोवा में उन्होंने कांग्रेस के दो चार लोगों को मंत्री बनाया है, ये प्रलोभन कैसे नहीं हुआ? बीजेपी नेता करके ऐसा करके देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। वहीं इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होना है और विधानसभा अध्यक्ष के कार्य में हम दखल नहीं देंगे। ये फ्लोर पे होगा और अभी उसमें कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है। जो भाजपा की नीयत है वो साफ नजर आ रही है, आपने गोवा में देखा। वो कहते हैं हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर आप प्रलोभन ना दें और उनमें से देखिए कांग्रेस के लोगों को चार को जो उन्होंने मंत्री बनाया और शपथ दिए, तो प्रलोभन कैसे नहीं? ये लालच से जिस तरह से ये कर रहे हैं पूरे इस देश की राजनीति को बर्बाद और लोकतंत्र को बर्बाद, इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होना है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनके कार्य में दखल नहीं देंगे। अब विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष है उनको निर्णय करना है कि कितने लोग जिन्होंने अपने सही फॉर्म भर के दिए उनके बारे में क्या करना।